तो चलिए दोस्तों, एक और जबरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ Vivo V20 SE के बारे में। तो दोस्तों ये फोन मेरे पास आ चुका है और इसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग भी की थी, लेकिन उसका डेटा करप्ट हो गया। इसके सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन अनबॉक्सिंग वाली वीडियो दोबारा नहीं बन पाएगी, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। लेकिन दोस्तों फोन के बारे में आपको सारी डिटेल्स डिटेल में मिलेंगी। और दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इस फोन के बारे में जो डिटेल्स हैं सारी मुझे कन्फर्म होने के बाद इस फोन का गिव अवे भी हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहे, अगले जितने भी अपडेट आते हैं उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस फोन का गिव अवे हो सकता है, इसके 2-3 पीस अगर मेरे को कंपनी से और मिल जाते हैं तो। दोस्तों जो इस चैनल पे पहली बार आया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी अपडेट्स आपको फटाफट मिल जाए। तो दोस्तों फटाफट Vivo V20 SE के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे फटाफट करता हूँ बूट, और बूट करने के बाद मैं बात करता हूँ इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर इसका बूट होना स्टार्ट हो चुका है, तो हम बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इसके राइट साइड में हमें यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, इसी के नीचे हमें पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ हमें यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी, बीच में हमें टाइप सी पोर्ट चार्जर देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें प्राइमरी माइक देखने को मिलेगा, इसी के साइड में हमें 3.5 mm का जैक देखने को मिलेगा। और दोस्तों फोन के लेफ्ट साइड में बिल्कुल क्लीन हमें देखने को मिलता है। सिम ट्रे हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, जो कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें हमें 2 सिम यूज कर सकते हैं और 1 मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। इसी के अलावा हमें यहाँ पर सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात होगी इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर इसका वेट मुझे लग रहा है 170-175 ग्राम के आसपास। दोस्तों फोन बहुत ही ज्यादा लाइट है, और दोस्तों इसी के अलावा SE लाइट वर्जन भी है। मुझे इस फोन की दो चीजें सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगी, इसका एक लाइट वेट एंड दूसरा इसका बैक ग्लास। कितना शाइनी इसका बैक ग्लास है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। लुक एट द शाइनिंग, हाउ कूल इट इज, क्या क्लासी लुक देता है फोन को। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो लुक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ग्रिप बहुत अच्छी बन रही है, फोन गिरने का, हाथ से गिरने का कोई बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर Vivo की तरफ से हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिसेंट फोन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं इसके फोन के अंदर के बारे में। तो दोस्तों ये फोन है मेरे पास 8GB RAM और 128GB वेरियंट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर इसकी जो 8GB RAM है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ वर्क करती है, क्योंकि मैंने फोन ऑलरेडी चला लिया है तो मुझे पता है कि कैसे ये वर्क करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फटाफट आपको दिखा देता हूँ इसके सारे के सारे चीजें। वाह, लुक एट द स्क्रीन दोस्तों, कितनी यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर हमें स्क्रीन देखने को मिल रही है, बहुत ही ज्यादा ऑसम। इसकी डिस्प्ले इतनी स्मूथ यहाँ पर टच हो रही है, सीरियसली बहुत अच्छी यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है 6.44 इंच की, और दोस्तों यहाँ पर हमें एमोलेड स्क्रीन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो की फुल HD+ हमें यहाँ पर इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है, जो की बहुत ही ज्यादा ब्राइटर और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। दोस्तों इस फोन की हाईलाइट्स क्या है, यहाँ पर इसकी हाईलाइट्स, यहाँ पर इसके कैमराज जो कि बहुत ज्यादा अच्छे पिक्चर्स लेते हैं। Vivo V20 SE में हमें यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है विद 1.8 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है 2.2 अपर्चर के साथ, और 2 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है 2.4 अपर्चर के साथ। इसी के अलावा हमें यहाँ पर ड्यूल LED फ्लैश टोन देखने को मिलती है, और सेल्फी कैमरा दोस्तों हमें यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है विद 2.2 अपर्चर के साथ। और दोस्तों इसी के अलावा यहाँ पर हमें HDR का ऑप्शन भी हमें देखने को, और सेम हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 180p विद 30 fps के साथ। तो दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं हमारे फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला फोन है, और इसी के अलावा यहाँ पर 2.0GHz स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर यहाँ पर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें वन टच OS 11 ग्लोबल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 10 पर। Vivo के अंदर हमें फालतू के कुछ ऐप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, स्टॉक एंड्रॉइड में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो फिंगरप्रिंट है बहुत ही ज्यादा स्मूथ वर्क करता है। एमोलेड स्क्रीन पर हमें यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट मिलता है, जहाँ से कि आप ये देख ही पा रहे होंगे कि वन टच में विद इन 1 सेकंड के अंदर हमारा फोन अनलॉक हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं फोन के अंदर डायरेक्टली। साथ ही में फेस अनलॉक भी यहाँ पर बहुत ही ऑसम वर्क कर रहा है, जैसे कि आप इसमें भी आप देख ही पा रहे होंगे सिंगल क्लिक के अंदर हम सीधा डायरेक्टली फोन के अंदर चले जाते हैं। कैमरा क्वालिटी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसी फोन से बनी हुई है वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने अमेजिंग कलर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, कितनी क्लियरिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। साथ ही मैं आपको ये कुछ फोटोज भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि कितनी ऑसम फोटोज इसके अंदर क्लिक होती हैं। सीरियसली आई लव इट, जहाँ पर हम बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं इसके कैमरा क्वालिटी को लेकर। अगर दोस्तों Vivo V20 SE की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नई नई फोन की अनबॉक्सिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।